कही, पूछ करो दिल्ली नू। अभी आ गया तेरे बाप तगड़ा होला, तेरी हैली भी कैसी बड़े उद्वाद। रामजादे तेरी हिम्मत किवें पई साडियां इत्थे पंजाब दियां लड़कियां नू आके फड़न दी ते उहनां नू बेहोश करन दी? रामजादे कित्थों आए हो तुसीं? तुसीं किवें सोच लिया कि तुहाडी गंदी गेम है जिहड़ी इत्थे पंजाब दे विच चल सकदी है? ओए ए पंजाब दी धरती ऋषियां मुनियां पीरां फकीरां दी धरती है, ए अमर शहीदां दी धरती है। इत्थे नहीं चलदी तुहाडे वर्गे शैतानां दी कोई गंदी खेल। ब्लू बेल भाई की है? ब्लू बेल सरपंच साहब, ब्लू बेल एक रशिया दे शैतान दी चलाई हुई है, फिलिप डायकिन दी। उहने इंटरनेट ते एक गेम चलाई है, भोले भाले मासूम बच्चा नूं अपने जाल विच फसा के बड़े गलत काम करांदा है। बहुत माड़ा काम है, बहुत माड़ा काम है। इस तरह करो, इस तरह कर लियो, इस तरह कर लियो। आओ पहले जूत फेरो, फिर लेके जावांगे इन्हां नूं। तू एवी फसाता ना, तैनूं कैसी जल्दी कर, फस गए ना तेरे करके। ओए तुहाडी हिम्मत किवें पई? हाले तां तुहानूं सबक सिखावांगे चंगी तरह। तैनूं इत्थे आ के लड़कियां नूं इस तरह भरमा के अपने जाल विच फसाउण लई किहने राय दे दित्ती? ओए तू इत्थे लड़कियां दा जानी दुश्मन बन के इत्थे ब्लू बेल बनया फिरदा? इत्थे नहीं चलदी तेरी गंदी खेल। ब्लू बेल चलो पहला तुहाडी पिंड दे विच चंगी तरह सेवा करदे आ, ला लो अग्गे इन्हां नूं। ओ सानूं माफ कर दो, ओ सानूं माफ कर दो, माफ कर दो सानूं, माफ कर दो सानूं। चलो इन्हां नूं पिंड दा पचाला ले, चलो लगो मूरे। सरपंच साहब चलो पिंड दे विचकार लिजा के इन्हां दी करदे आ मरम्मत चंगी तरह, बनाने आ ब्लू बेल। कोई चलाकी छड़ी गोली मारूंगा। ओ साडे ना माफ कर दो, ओ साडे तो गलती होगी। बड़ा कोर्ट तेरी गलती माफ नहीं कीती जा सकती। किवें माफ कीती जा सकती है? इन्ना बड़ा गुनाह कीता ओ कदे भी माफ नहीं कीता जा सकता। ओ लीड पावर वाली इधर है विच की। ओए ओए अगे तो नहीं गलती करांगा, ओए तुसी मेनू माफ कर दियो। ओए तू किथों लैके आ गया ब्लू बेल दी गेम इत्थे? बच्चा की बर्बादी कर रहे तू, तू लड़कियां दा दुश्मन बन के जानी दुश्मन बन के। तैनू ऐसा सब कुछ सिखावांगे, ऐसा सब कुछ सिखावांगे कि मुड़ के तेरा परछावां भी किसी गुनाह वाल नहीं जाऊगा। मुंडियो ले चलो इन्हां नूं पहला पिंड वाल। ठीक है जी, उत्थे पहला इन्हां दा मुंह काला करांगे, इन्हां दे गल जुत्तियां दा हार पा के इन्हां नूं फिर चंगी तरह सब सिखावांगे। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ।